हेलो गाइस, दिस इज मी यामिनी सक्सेना और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो जिसमें हम लोग करने वाले हैं ईद मेकअप लुक फॉर बिगनर्स। और इसमें मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास ओनली 5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते होंगे मेकअप के लिए, उसमें हम लोग अपना ईद का लुक कैसे क्रिएट करेंगे और ये बहुत ही अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों या फिर बहुत ही हाई फाई प्रोडक्ट्स हों तभी आप मेकअप कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इन सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स में से हम लोग कैसे अपना पूरा लुक क्रिएट करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी एंड वॉच माई वीडियो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट मेरे पास ये है वैसलीन, ये है मॉइस्चराइजर तो मैं इसको लगाऊंगी, और मेरे पास है ये एक वाइट टोन पाउडर। इसके बदले आपके पास कोई भी पाउडर हो, पॉन्ड्स का हो या कोई भी फेस पे लगाने वाला पाउडर, आप वो यूज कर सकते हैं। एक है मेरे पास ये फेयर एंड लवली क्रीम, आपके पास कोई सी भी घर में क्रीम हो, जो भी आप लगाते हो, वाइट टोन लगाते हो या कोई भी और अदर क्रीम लगाते हो, आप वो यूज कर सकते हो। एक है मेरे पास ये काजल पेंसिल, ये भी होगी सबके पास, कोई सी भी आप यूज कर लीजिए। और ये एक है मेरे पास लिपस्टिक एलेटीन की, और ये इसका शेड है रेड। तो अब हम इन 5 चीजों से करने वाले हैं अपना लुक पूरा क्रिएट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना मेकअप। सो फर्स्ट हम लोग अपने फेस को करेंगे मॉइस्चराइज विद दिस वैसलीन मॉइस्चराइजर। आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर हो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी ये है तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। और इसको लगाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जिसकी फेस थोड़ा सा ड्राई होता है या कॉम्बिनेशन स्किन होती है, उनका फेस ना थोड़ा क्रैक्स जैसा दिखने लगता है या फिर उनके फेस पे थोड़ा सा ना पैचेस से पड़ जाता है। तो अगर आप ये मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो उससे आपके फेस पे बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ेंगे या पैची पैची आपका फेस नहीं लगेगा। और इसको अच्छे से हमें अप्लाई कर लेना है। तो ये मैंने अब अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, अब मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ फेयर एंड लवली क्रीम, ये है। अब मैं इसको लगा लूंगी और ये देखिए मेरे यहाँ पे थोड़े से स्पॉट्स हैं, इनको भी हमें थोड़ा थोड़ा हाइड करना है। तो अब मैं इसको कैसे लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने क्रीम ली है, जहाँ पे स्पॉट्स हैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। तो ये क्रीम लग चुकी है, अब मैं इसको अच्छे से अपने फेस में मर्ज कर लूंगी। और इसको थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर ली है फेयर एंड लवली क्रीम, और अब हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे ये पाउडर। आपके पास जो भी पाउडर है आप वो यूज कर लीजिए, मैं ये वाइट टोन पाउडर यूज कर रही हूँ। और मेरे पास कुछ भी पफ या ब्रश नहीं है, तो ये सब कुछ मैं अपने हाथों से ही कर रही हूँ। और ये पाउडर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा मेकअप बिल्कुल भी लाइक मेल्ट ना हो, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा, अब गर्मी का टाइम है, स्वेटिंग होती है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग को ये पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। और अपने आईलिड्स पे पाउडर को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं अपना आई शेडो। और थोड़ा सा नेक पे भी लगा लें।
यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है अपना पाउडर भी, और अब हमने पाउडर लगा लिया है तो अब हम लोग लगाएंगे अपना आई शेडो। और वो मैं किससे लगाने वाली हूँ, इस एलिटीन लिपस्टिक से जिसका शेड मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, ये रेड कलर की है। तो इसका ये शेड था, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। तो इसी लिपस्टिक से हम लोग अपना आई शेडो करेंगे, अपना ब्लशर करेंगे और अपने लिप्स पे हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे इससे, सिर्फ एक शेड से। तो ये देखिए, ले ली हमने लिपस्टिक और इसको हम लोग, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेरे पास ब्रश और पफ कुछ भी चीज़ नहीं है, तो हम सब कुछ अपने हैंड से कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ी सी ले लूँगी लिपस्टिक अपने फिंगर टिप पे और बिल्कुल सेंटर में मैं इसको लगाऊंगी अपनी आई बॉल के ऊपर, और इसको अच्छे से फैला दूंगी मैं। ज्यादा ऊपर ऊपर मत करिएगा, ये नीचे से ही स्टार्ट करके ना इसको ऐसे से फैलाना है हमें। तो ये देखिए, एक आई पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। और अब मैं इसी तरीके से अपने फिंगर टिप पे लिपस्टिक को लेकर इस वाली आई पे भी अप्लाई कर लूंगी। सेंटर में लगाना है, फिर हमें इसको स्प्रेड करना है। तो ये देखिए, मैंने अपना आई शेडो कंप्लीट कर लिया है और अब हम सेम लिपस्टिक से हम अपना ब्लशर अप्लाई करेंगे। सो ये जो लिपस्टिक थी, इसी को हम लोग को सेम फिंगर टिप पे लेना है और इसको डॉट 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 करते हुए हमें ऐसे ऊपर तक लेकर जाना है, और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही थोड़ा अप्लाई करके फिर उसको हमें बढ़ाना है। ये नहीं कि आप एक साथ ही पूरा लगा लें। इसको थोड़ा सा ना आप स्माइल कीजिए और फिर ये जो आपका होता है ना, यहाँ पे आप लोग इसको लिपस्टिक को अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा होगा। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लगा लेंगे इसको। तो ये देखिए, अप्लाई हो गया है मेरा ब्लशर। और ये जो मेरे पास काजल पेंसिल है, अब इससे मैं अपने लाइनर को क्रिएट करूंगी। आपके पास कोई भी लाइनर या काजल हो ना, आप उससे लगा सकते हो। काजल वो डिब्बी वाला भी आता है, उसको भी आप कोई लाइक किसी भी एक आपके पास ब्रश हो छोटा सा, या कोई तिल्ली होती है उससे आप बहुत आराम आराम से लगा के आप उससे भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये पेंसिल है तो मैं इससे लगा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, हमें बिल्कुल ये जो हमारे लैशेस हैं इसकी लाइन से टच करते हुए जाना है। ये दिख रहा है आपको डिफरेंस? तो ये देखिए, इस काजल पेंसिल से मैंने अपने दोनों आईज पे लाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं सेम पेंसिल से अपने काजल भी लगा लूंगी। सी द डिफरेंस? अब मैं सेम दूसरी आई में भी ऐसे काजल लगा लूंगी। ये देखिए, मैंने अपने दोनों आंखों में काजल लगा लिया है। और मैं ना थोड़ा मोटा काजल पसंद करती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के लगाया है। तो आपको जैसे पसंद हो, अगर आपको सिर्फ अंदर ही अंदर लगाना पसंद हो तो आप अंदर अंदर लगा लीजिए। मुझे थोड़ा सा बाहर लगा के पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के लगाया है उसको। और अब मैं सेम काजल पेंसिल से अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, क्योंकि आईब्रोज अभी थोड़ी सी अभी थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, सब कुछ बंद है। तो हम लोग को अपनी आईब्रोज को फिल करके एकदम शेप में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं पहले वो करने वाली हूँ। हम लोग बिल्कुल हल्के हाथों से इस पेंसिल को पकड़ेंगे और इसको आईब्रोज को अपनी थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे, और हमें बिल्कुल आगे से डार्क नहीं करनी है, वरना वो बहुत ही ऑड लगेगी और नकली सी लगेगी।
तो हम लोग को स्टार्ट करनी है सेंटर से और हमें पीछे की साइड लेके जाना है। आप डिफरेंस देख पा रहे हैं दोनों आईब्रोज में? इसी तरीके से हम लोग अपनी इस वाली आईब्रोज को भी फिल कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हो चुकी है मेरी आईब्रोज भी फिल। और आईब्रोज फिल करने से ना एकदम ही आपका लुक चेंज हो जाता है, तो आप लोग आईब्रोज को जरूर फिल करें। तो ये हो गया है और अब मैं अप्लाई कर लूंगी अपनी लिपस्टिक, और सेम करने वाली हूं मैं एलेटीन। आपको जितनी डार्क लिपस्टिक लगानी है वो उतना आप अपने हिसाब से लगा लें। तो यहाँ हो चुका है मेरा लुक एकदम कंप्लीट, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ अपना कंप्लीट लुक। मैं पूरा ड्रेस अप होंगी और अपने हाथों में चूड़ियाँ डालूंगी, तब आपको दिख जाएगा ये लुक कितना ब्यूटीफुल लगेगा आपका। और सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोगों ने इतना अच्छा मेकअप सीखा है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बट उससे पहले मैं आपको अपना दिखाने वाली हूँ अपना कंप्लीट लुक, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए एंड तक। सो ये है मेरा पूरा कंप्लीट लुक। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा और इस ईद पे आप लोग इस लुक को जरूर करेंगे। तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज हैंग आउट विद यामिनी।